लिवर को कैसे साफ करें। लिवर हमारी बॉडी का ब्रेन के बाद में सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये 500 प्लस फंक्शंस हमारे बॉडी के लिए करता है। लिवर के कई सारे काम हमारे शरीर के लिए होते हैं और अगर लिवर हमारा डैमेज रहे, लिवर हमारा ख़राब रहे तो कई सारी परेशानियां हमें हो सकती हैं। तो लिवर को साफ़ करने का नेचुरल तरीका आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लोकेंद्र एचएमएस फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे नेचुरल तरीके में आप सभी को सुझाऊंगा, बताऊंगा जिससे कि आप अपने लिवर को साफ रख सकते हैं, लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं और इजी तरीके से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होंगे। साथ ही साथ लिवर आपका स्वस्थ रहेगा तो काफ़ी सारी परेशानियां आपकी दूर रहेंगी, जैसे कब्जियत का रहना है, उल्टी होना, नोजिया होना या पीलिया होना, क्लॉटिंग फैक्टर्स का सही रहना, ब्रेन अच्छे से काम करना, लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलना, गॉल ब्लैडर सही से काम करना, तो आते सही से काम करना। क्या होता है, लिवर से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जब लिवर हमारा डैमेज होता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं। तो लिवर जब हमारा ख़राब होता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं और लिवर ख़राब होने के सिम्टम्स भी हमने पिछले वीडियो में समझे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने एक प्लेलिस्ट और बनाया है जिसमें हमने बताया है कि सभी प्रकार के जूस पीने से क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, तो कब कौन सा जूस पीना चाहिए या किस जूस को पीने से कौन सा आपको फ़ायदा होगा, कौन सी बीमारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसकी लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है या फिर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। साथ ही साथ हमने बनाया है बलगम वाले मरीजों के लिए प्लेलिस्ट जिसमें कई सारे वीडियो हमने अपलोड की हैं, जिसमें बताया गया है कि बलगम को कैसे दूर कर सकते हैं, परमानेंटली बलगम का इलाज आप उसमें इलाज ढूंढ सकते हैं, बलगम एलर्जी का इलाज आप उसमें इजीली ढूंढ सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप आई बटन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात करें कि लिवर को कैसे साफ़ किया जाए, लिवर को कैसे डिटॉक्स किया जाए, तो लिवर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका होता है नेचुरल तरीके से गिलोय का। अगर आप गिलोय का सेवन करें या गिलोय का जूस बनाकर अगर आप इसका सेवन करें तो आपका लिवर डिटॉक्स रहेगा, लिवर में कोई परेशानी नहीं रहेगी। क्योंकि जब आप गिलोय का जूस पीते हैं तो इसके अंदर कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो लिवर की बीमारियों में बहुत ज़्यादा उपयोग होती हैं। तो गिलोय का जो जूस होता है ये लिवर में जो बीमारियां होती हैं, लिवर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराता है। हालांकि ये कई सारी बीमारियों में उपयोग होता है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बालों के लिए, खून की कमी पूरी करता है, पीलिया में उपयोगी बहुत ज़्यादा होता है, या पेट से संबंधित कई सारी बीमारियाँ, लो प्लेटलेट्स की समस्या, कई सारी बीमारियों में ये बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि गिलोय का जूस कैसे बनाएं, तो गिलोय का जूस आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी मार्केट से ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं, एक आध चीज़ आपको बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ सकती है। गिलोय का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आपको 50 ml गिलोय का जूस निकाल लेना है, किसी बर्तन में या गिलास में निकाल लीजिएगा। उसमें आप 25 से 30 किशमिश डाल लीजिएगा, रीजन जिसे हम बोलते हैं, और इसके साथ में आप 2 गार्लिक के पीस उसमें ऐड कर लीजिएगा, या तो उसको पीस लीजिए या फिर आप उसको छोटे छोटे पीसेस करके आप डाल सकते हैं, हालांकि पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ इसमें आप 2 आंवला मिला सकते हैं और ये आंवला, गार्लिक और 25 से 30 किशमिश आप इसमें जूस में इसमें डाल करके आप इसे मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिएगा। इस जूस को आप महीने में केवल एक बार पिए तो आपका लिवर, आपकी आंतें, आपके पेट से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां, आपके लिवर से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, आपको लिवर के आगे फ्यूचर में भी कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब हमें लिवर की बीमारी होती है तो पीलिया सबसे पहले हमें होता है, उल्टियां हमें होती हैं, अपच हो जाती है, आंतों का सही से काम करना बंद हो जाता है, तो लिवर जब हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारी कई सारी बीमारियां दूर रहेंगी।
तो आपको ध्यान रखना है कि लिवर हमें स्वस्थ रखना है, लिवर हमारा स्वस्थ रहेगा तो काफ़ी सारी हम बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। तो ग्लूकोज का जूस आप महीने में एक बार पिए और नेचुरल है, इसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ, गिलोय लेना है आपको, जिसका 50 ml आपको जूस निकाल लेना है। पर इसमें 25 से 30 किशमिश आपको मिला लेनी है, उसके साथ में 2 आपको गार्लिक पीसेस यानी कि लहसुन के पीस आपको डाल लेने हैं, लहसुन की कली आपको 2 डाल लेनी है, 2 आंवला इसके अंदर आपको मिला लेना है, या 2 आंवले का रस इसमें आप मिला लीजिएगा। इसको आप अच्छे से मिक्स करके आप ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट इसका कड़वा रहता है या आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसमें 2 चम्मच शहद डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, नेचुरल तरीके से आप अपने लिवर को डिटॉक्स करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।